कर रहे हैं, तो आई में देख सकते हो, आयरिस में अपन को ऊपर डार्क है, नीचे आते आते लाइट हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा बॉर्डर्स पे डार्क है। तो इससे क्या समझ में आता है, अपन को ऊपर 4B पेंसिल है ये मेरे हाथ में अभी, ठीक, ऊपर का हिस्सा मैंने ऐसे डार्क किया, ठीक है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा 4B से, और फिर हल्की सी बॉर्डर, ऐसे बॉर्डर सिर्फ शेड कर रहा हूँ, ये ड्रॉ नहीं कर रहा, 4B पेंसिल से ये मैंने शेड करी, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, ब्लेंडिंग स्टम्प लिया सबसे पतला वाला, और जो हाँ जहाँ मैंने शेड किया वहाँ सर्कुलर चलाया, भले इस पर बॉर्डर पे वैसे ओवल शेप में चलाया पूरा, थोड़ी सी डेप्थ आ गई अपन को, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा डेप्थ चाहिए अपन को दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 6B पेंसिल लेंगे। अब ऊपर ऊपर का हिस्सा 6B पेंसिल से शेड करते हुए आए, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ तक आते आते 6B है, ऊपर 6B रहेगा, नीचे आते आते थोड़ा लाइट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर बॉर्डर बॉर्डर पे फिर से किया, हल्का हल्का बॉर्डर पे किया, उसके बाद क्या किया अपन ने, ब्लेंड किया ऐसे सर्कुलर चलाओ, बॉर्डर पे भी सर्कुलर चला लो हल्का हल्का थोड़ा सा, देखो ये हल्का सा बीच में हाईलाइट दिख रहा है ना अपन को, ये वाला पोर्शन रेफरेंस में भी है, तो अपन को वो आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरा भर दो उसे, सेम चीज़ अपन राइट साइड में करेंगे, राइट साइड में भी क्या है, ऐसे ऊपर से नीचे आया 4B आधे हिस्से में, फिर बॉर्डर बॉर्डर पे शेड किया मैंने, फिर उसे ब्लेंड किया मैंने, और डेप्थ चाहिए तो फिर मैंने 6B पेंसिल ली, ऊपर से डार्क टू लाइट करता हुआ आया, ये सर ध्यान देना, यहाँ गलती करोगे बिल्कुल कि पूरे डार्क कर दोगे, वो नहीं होना चाहिए, कि मैंने डार्क टू लाइट करा, बॉर्डर करी, फिर ऊपर सर्कुलर चलाया अपना ब्लेंडिंग स्टम्प, नीचे चलाया, और ये मेरी आई में, आयरिस में शेड हो जाता है, तो मेरा जो आयरिस जैसी चाहिए मुझे, ठीक है। हल्का सा इफेक्ट देने के लिए मैकेनिकल पेंसिल लूँ, ऊपर जो हल्के हल्के स्ट्रोक्स रहते हैं ना, बहुत हल्के हल्के, हो सकता है कैमरे में नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी नहीं दिखने चाहिए अगर मैं तुम्हें देखूँ कैमरे के थ्रू, लेकिन जो सामने वाला अगर रियल लाइफ में देखे तो हल्के हल्के स्ट्रोक्स दिखने चाहिए, तो वो हल्के हल्के अच्छे लगते हैं, ठीक है। फिर इतनी शेडिंग के बाद ये सब ब्लेंड हो गया होगा, तो हल्की हल्की आउटलाइन देनी है, हल्की सी, कोई ऐसे डार्क आउटलाइन मत दे देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये डार्क चीज़ें अब नहीं करना है, आराम से करो, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो, तो ये अपनी आई हो जाती है ऐसे, इसकी आउटलाइन दे दो आयरिस की, आउटलाइन यहाँ दे दो आयरिस की, तो ये अपनी आयरिस हो जाती है, इतना करो। देख सकते हो ये वाला पोर्शन थोड़ा डार्क है, ठीक है, अपन ने उतना नहीं किया, तो या तो तुम्हें लग रहा है अगर तुम 4B पेंसिल तुम्हारे लिए बहुत लाइट है तो 4B पेंसिल यूज़ करो, और तुम्हें लग रहा है अगर 6B पेंसिल यूज़ करो, मतलब तुम्हें डार्क चाहिए, सॉरी 4B पेंसिल अगर लाइट लग रही है तो 6B यूज़ करो, और 6B अगर डार्क लग रही तो 4B यूज़ करो। अब कैसे कैसे करना है वो देखना ज़रा ध्यान से, ये सर डार्क दिख रहा, तो ये अपन को धीरे धीरे यहाँ पे हल्का हल्का डार्क करना है, तुम्हें पेंसिल अपने हिसाब से चूज़ करनी है कि तुम डार्क किसे, हल्का से डार्क करना है अपन को यहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना, यहाँ करेंगे थोड़ा नोज़ के पास करेंगे, ओके। तो ये वाला पोर्शन देख सकते हो डार्क हो रहा है अपना, तो यहाँ यहाँ थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है, अभी डार्क टू लाइट होता गया पीछे ब्लेंड होने, ये भी डार्क टू लाइट हो गया, और फिर ये नीचे नीचे हल्का हल्का, ठीक है। अब इसको ब्लेंड करना होगा तुम्हें ब्लेंडिंग स्टम्प से, ब्रश से नहीं होगा ये क्योंकि छोटा सा अपन ने किया, तो हल्का हल्का ब्लेंडिंग स्टम्प चलाओ अपना, थोड़ा ये आगे वाले हिस्से पे ऐसे सर्कुलर चलाओ, ठीक है, ये वाला हिस्सा जिसने डार्क कर रखा है बहुत उस पर मत चलाना तुम लोग, ठीक है, मैंने लाइट पर स्टार्टिंग से लाइट करके चल रहा हूँ, इसलिए अब मैं इसमें डेप्थ दे रहा हूँ, ये वाले जो मैंने बनाए ना मेरे ब्लेंडिंग स्टम्प पे इतना ग्रेफाइट है, मैं उससे ही डेप्थ दे दूंगा, ठीक है, बाकी सब ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प वैसे सर्कुलर चला रहा हूं मैं, ये वाला हिस्सा जो है हल्का हल्का, मैंने बहुत हल्का हल्का कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं कोई भर भर के नहीं कर रहा, उसके बाद इसे और अच्छे से करने के लिए ब्रश, ठीक है, तो ये देखो डेप्थ आ गई अपनी अच्छी खासी इसमें। सेम चीज अपन यहाँ करेंगे, यहाँ देखो
यहाँ भी आगे डार्क है थोड़ा, तो ऊपर ऊपर डेप्थ आ रही। तो मैं यहाँ मैं 6B यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अगर 4B करनी तो तुम 4B भी कर सकते हो अकेला। ये तुम्हें लग रहा कि डार्क यूज़ कर रहा हूँ मैं 6B, बहुत 6B कंट्रोल करो तो ही करना, वरना 4B बेटर है तुम्हारे लिए। धीरे से किया यहाँ पे, हल्का हल्का शेड किया यहाँ पे, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, ग्रेफाइट इतना है ब्लेंडिंग स्टंप में, इतना ग्रेफाइट है कि ये बाकी का काम कर लेगा अपने से। इधर इधर ब्लेंड किया मैंने आराम से, और ब्लेंड करते करते थोड़ा पीछे ले जाओ ताकि वो डार्क टू लाइट हो। ये ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये हल्की हल्की जो डेप्थ है ना, कि पीछे की तरफ डेप्थ है यहाँ पे, ऐसे डार्क टू लाइट आ रही है आउटलाइंस, ये आगे की तरफ है, ये अपन को करना है। ठीक है, मैकेनिकल पेंसिल से एक चीज़ और करना है, यहाँ जो है ये डार्क टू लाइट करते हुए लाना है इसे, हल्का हल्का ऊपर नीचे, मतलब जैसे ये लाइन है तो ऐसे ऊपर ऊपर शेड करते हुए ले जाओ, थोड़ी नीचे नीचे शेड करते जाओ। उससे क्या होगा, ये जो शेड थोड़ा फैलते हुए दिख रहा है ना तुमको, वो दिखेगा। और इस तरीके से अपनी आईज वाला पोर्शन हो जाता है। 6B हल्की सी यूज़ करनी है या 4B, जो भी तुम यूज़ करो, सेम चीज़ यहाँ पे नोज़ के लिए, बहुत लाइटली लाइटली। ठीक है, क्योंकि अपन देख सकते हैं यहाँ पे जो डेप्थ है नोज़ पे भी उतनी डेप्थ है, नोज़ की स्टेम पे, तो तुम्हें हल्का सा वही यूज़ करना है। ये हल्का सा मैंने किया, अब मैं इसे ब्लेंडिंग स्टेम की मदद से ब्लेंड करूँगा। तो ये अपन को अच्छी डेप्थ मिल जाती है नोज़ पे, तो उससे वो और उठी हुई लगती है। ये हल्की हल्की नोज के पास भी करनी है यहाँ यहाँ आउटलाइन के तौर पे। तो ये अपनी ऋतिक रोशन की आईज हो जाती है। ठीक है, अपन देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी शाइन है, तो व्हाइट जेल पेन लेंगे, ये जो प्यूपिल वाला एरिया है यहाँ पे अपन वाइट जेल पेन से शाइन भी लगा देंगे, तो अपनी आंखों में जो डेप्थ भी आ गई, शाइन भी आ गई। ठीक है, तो इतना करो। अब 10B पेंसिल लो, अपन आईब्रोज बना रहे हैं, तो आईब्रो कुछ नहीं करना, जो तुमने पहले बनाए थे बस उन्हीं के ऊपर एक और लेयर चढ़ानी है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अपने आईब्रो, हल्के हल्के थोड़े एक आध दो बिखरते हुए, ऐसा नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट पीछे ले जाने लगे कांटों की तरह, ऐसे थोड़े बिखरते हुए जाएंगे, ऐसे एक आध दो ऊपर भी हो सकते हैं। अब ये पीछे की तरफ जाने चालू हो गए, 10B से बना रहा हूँ मैं, इसमें गलती नहीं करना क्योंकि इरेज नहीं कर पाओगे फिर से। ये पीछे की तरफ एक एक स्ट्रोक अच्छे से जाना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए पूरा एक एक स्ट्रोक। ये पीछे जा रहा है, तुम्हें पता है यहाँ से आगे से पीछे जा रहे हो, फिर यहाँ उल्टे डायरेक्शन में भी स्ट्रोक्स आएंगे, तो उनके लिए ऊपर जगह छोड़ना है, ऐसे नहीं कि पूरे ऊपर से यहाँ कर्व करने लग गए। ये हल्के से आके यहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। अब पीछे से आगे की तरफ भी स्ट्रोक्स आ रहे हैं ऐसे, सेम चीज अपन राइट साइड वाले में करेंगे। तो राइट साइड वाला देखो, उधर वो भी यहीं से स्टार्ट है ऐसे थोड़े आगे से बिखरते हुए, ठीक है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। और इनमें से थोड़े आगे की तरफ आ रहे हैं ऐसे, अब बस एक चीज करनी है, ऐसे ब्रश लो, पहले बेस से स्टार्ट करना ब्लेंड करना, नीचे से ब्लेंड करते करते आराम से ऊपर ले गए, पूरा ऊपर नहीं ले जाना यहाँ पे, ठीक है, बस यहाँ पे आराम से ब्रश, और बहुत ज़्यादा भी नहीं घिसना, नीचे से स्टार्ट करना, और करते करते बस ऊपर ऐसे, और ये अपने आईब्रोज अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।